शॉर्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। √6 + √6 + √6 + √6 ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको इसको दो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 2 × 3 में हमको तोड़ना है, गुना करके हमको 3 लाना है, ठीक है ना। अगर प्लस में होगा तो ये होगा बड़ा वाला अंक होगा। शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड है √6 + √6 + √6 + √6 + √6 इन्फिनिटिक तक रहेगा। क्या रहेगा? इन्फिनिटिक तक रहेगा। तो हम करेंगे क्या, इन्फिनिटिक रहेगा तो इन्फिनिटी तक रहेगा तो प्लस में है तो बड़ा वाला इसका आंसर 3 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे इसको दो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, इसको दो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 3 × 4 टूटेगा, ये माइनस में है तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर 3 होगा, इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। अब आ रहा है यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है, ये तो प्राइम फैक्टर में टूटेगा नहीं, इसका डिफरेंट भी 1 होना चाहिए, इसका डिफरेंट 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो प्राइम फैक्टर में टूटेगा नहीं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 से 3 के बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में कैसे होगा, तो इसको भी हमको करना क्या होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। इसको मान लेंगे ए, मान लेंगे इसको डी बराबर फार्मूला, मूल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, 4a + 1/2 प्लस में भी यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना। 5 × 20 = 21 √21 + 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 से 3 होगा, अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये आप करेक्ट मानिएगा, अगर ये होगा तो ये करेक्ट मानिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, अगर प्लस माइनस वाला हो गया, ठीक है ना, अब आ गया इंटू वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी तक इसमें रहेगा, तो क्या करेंगे, इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, कुछ इन्फिनिटी तक होगा तो ये आंसर 3 होगा, ठीक है ना। अगर इंटू में होगा, इन्फिनिटी तक होगा तो इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। और आप और यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं होगा, मान लीजिए 2 बार होगा, 3 बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट होगा, 5 बार रिपीट होगा, 5 बार रिपीट होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना बार रिपीट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो हम पीछे से जाएंगे इसको, इसका पावर देखिए, रूट हटाएंगे, यहाँ से रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 आ जाएगा। ये है, यहाँ पे क्या छुपा रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ रहता है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, ठीक है ना, 2 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, तो यहाँ इधर से जाएंगे 2, यहाँ 1/2 आ जाएगा, पावर अगर हटाते हैं तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, ठीक है ना। तो 2 × 2 = 2 × 2 = 4 हो गया, 4 में 2 से फिर गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के पावर 16 लिख देना, माइनस में 1 घटा के लिख देना, तो कितना 15 आ जाएगा। ऐसे इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ए बराबर फार्मूला होता है 2 × (n-1)/2 × (n) होता है, ठीक है ना। 2 × (n) कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 मरतब में हुआ, ठीक है ना, 4 मरतब में हुआ। हम इसको बता दे रहे हैं लिख कर, तो 2 × (4)-1 हो जाएगा, 2 × (4) हो जाएगा, 2 × (4) कितना होता है, 2 × 4 = 8, 8 × 16 कितना हो गया, 16 में से घट जाएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, मैं यही तो बताया था आपको। यहाँ से 2 में 2 से गुणा करना, 4 आएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में हमको ऊपर 1 घटा कर लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देखिए, मैं दोबारा ही क्वेश्चन दे दिया हूँ, √2 √2 √2 √2 1, 2, 3, 4 बार है, कितना बार है, 4 बार है। तो हम इसका फार्मूला बैठाएंगे, ए बराबर हम बैठाएंगे फार्मूला, 2 × (n-1)/2 × (n) होता है, ठीक है, फार्मूला इसका। तो हम 2 की पावर कितना है, 1, 2, 3, 4 × 2 है, 4 − 1 = 2 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 होगा, 16 में 1 घटाएंगे तो कितना है, 15 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा, 2 है तो 2 के पावर में ये हो जाएगा, ठीक है ना, 2 के पावर में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 के पावर में हो जाएगा, 16 में 15 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 के पावर में, ठीक है।
अब आपको क्वेश्चन ये आपको मिल रहा है क्वेश्चन रूट अंडर पी के पावर रूट अंडर पी के पावर रूट अंडर पी के पावर रूट अंडर पी इन्फिनिटी तक है, आपको अनंत तक है, क्या है अनंत तक है, अनंत तक है इजकल टू 1/5 है। पी बराबर निकालना है आपको, पी बराबर निकालना है, कैसे निकलेगा पी बराबर, पी बराबर निकलेगा यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं 1/5 मान लेते हैं, क्यों कि रूट अंडर पी, रूट अंडर पी, रूट अंडर पी के पावर रूट अंडर पी इजक्वल टू क्या है 1/5 है, तो रूट अंडर पी के रूट अंडर पी, रूट अंडर पी के पावर क्या हो जाएगा 1/5 बराबर है 1/5 है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/2, इसके अंदर में टू होता है, टू होता है ना, तो इसका भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 को तोड़ेंगे तो रूट में चलाएगा, इसका पावर 1/5 है, यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 1/5 है, ठीक है ना 1/5 है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये पी के पावर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा बराबर में क्या है 1/5 है। अगर हमको पी के मान निकालना है तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, इधर भी 10 से हमको पावर में 10 से गुना करना है, ठीक है ना। पी इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 10, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा, आपको पावर में 10 से गुना करना है, पावर है आपको 1/10 है, ये पावर में 10 से गुना करना है, इधर भी 1/5 है, ये पावर में 10 से गुना करना है, ठीक है ना, 10 से गुना करना है। हम पी से 10 से 10 कर देगा तो पी के पावर 1, यानी पी के पावर 1 लिखा था ना, ये पी ही लिखाता है, और ये 5 के पावर 10 हो गया, 5 के पावर 10 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ए है 4a² + b² + b, अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, ये आपको फार्मूला है, ये आपको क्या है फार्मूला है, ठीक है। अब हम ए किसको माने, बी किसको माने, ए किसको माने, बी किसको माने, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो हम फार्मूला को बिठाते हैं, 4a है, 4a² है, 4a² 16 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, आप प्लस हो जाएगा, b² है, 3 के स्क्वायर क्या है 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये रूट के बाहर है, रूट के बाहर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है ना, किसका है b² 9 हो जाएगा, b² 9 हो जाएगा, ठीक है ना, सभी का बटा में 2 है, सभी का बटा में क्या है 2 है, 16 चौका 64 प्लस 3 64 9 कितना हो 64 और 9 कितना होगा 73 है, 73 रूट अंडर 73 प्लस 9/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 73/2।